बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, फिर भी कुछ अंतर से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के फिर से अपनी चमक हासिल करने के पीछे क्या संदेश है? 8% की दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को चलाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार चुनावी हार कैसे झेल सकती है? आइए कुछ कारणों पर विचार करते हैं। मोदी ने पूरे बीजेपी के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। कोई भी राजनीतिक ब्रांड मतदाता की नजर से अछूता नहीं है, मोदी भी नहीं। 2014 के बाद से ही बीजेपी के बढ़ते वोट शेयर का हमेशा क्रेडिट सही मायने में मोदी को दिया गया। इसके वोट शेयर में गिरावट का मतलब भी यही होना चाहिए कि ब्रांड मोदी की चमक कुछ जा चुकी है। जब मतदाताओं के पास मोदी सरकार के लिए कई सवाल थे, जब नौकरियां कम हो तब विकास दर की बात करना, या जब ग्रामीण आय और खपत कम हो तब दुनिया में भारत की स्थिति की बात करना, मोदी के खास भाषणों को कई मतदाताओं ने वास्तविकता से परे माना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूपी में देखने को मिला। 2014 के बाद से कई बार खारिज किए जाने के बाद अक्सर पप्पू और शहजादा कहकर पुकारे जाने वाले राहुल गांधी ने अभी भी पार्टी के अंदरूनी लोगों की बात नहीं सुनी। वो दुगने जोश से आक्रामक रहे। उन्होंने आम मतदाताओं की रोजी रोटी के मुद्दे पर जोर दिया, दो भारत जोड़ो यात्राएं की, वो भी इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द, और राहुल ने उन्हें एक के बाद एक रैलियों में दोहराया। उन्होंने सही अनुमान लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाता उनके संदेश को ग्रहण करने वाले श्रोता थे। यहां तक कि यूपी जैसे मोदी के गढ़ में भी काफी हद तक राहुल को श्रेय दिया जाता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में वापसी की है, तो राहुल की वजह से। हालांकि राहुल को उस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है जहां वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीधे चुनौती दे सके। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कोई भी चुनावी लहर को तब नहीं पकड़ सकता जब वो चल रही हो। सबकी पहचान पीछे मुड़कर देखने पर होती है, लेकिन इस बार जमीन पर ये साफ था कि मोदी की कोई लहर नहीं थी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी नहीं। जब राष्ट्रीय मुद्दे जनता को नहीं भाते तो स्थानीय चिंताएं मतदाताओं की सोच पर हावी हो जाती हैं। जाति वाला एंगल फिर से खेल में आ जाता है, रोजगार की चिंताएं सबसे बड़ी हो जाती हैं, उम्मीदवार का चयन महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल बीजेपी और बाकी सभी जानते थे कि मुस्लिम वोट उसके खिलाफ जाएंगे। पार्टी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुसलमान इस तरह से वोट करेंगे जिससे बीजेपी की सीटों की जीत और हार में अंतर आएगा, जैसा कि यूपी में हुआ जहां कांग्रेस एसपी गठबंधन को बहुत फायदा हुआ। बंगाल में मुसलमानों के ममता के साथ मजबूती से खड़े होने के कारण तृणमूल अपने गैर मुस्लिम वोट बैंक को यथासंभव बरकरार रखने में कामयाब हुई। 2019 की तुलना में दोनों राज्यों में बीजेपी की सीटें कम होना दर्शाता है कि जब दूसरे नकारात्मक कारक खेल में हों तो अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखना एक जोखिम भरी रणनीति हो सकती है। दरअसल चुनाव प्रचार शुरू होने के कुछ समय बाद बीजेपी ने मतदाताओं को आश्वस्त करना शुरू कर दिया था कि संविधान को बदलने या आरक्षण से छेड़छाड़ करने की उनकी कोई योजना नहीं है। विपक्ष के सफल अभियान के कारण उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने बीजेपी के कुछ नेताओं के इस बयान का फायदा उठाया कि 400 पार पार्टी को संविधान को फिर से आकार देने का मौका देगा। वहीं इंडिया अभियान जो इस थीम पर केंद्रित था कि बीजेपी एससी एसटी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, साफ तौर से काम कर गया, जैसा कि खास तौर से यूपी में परिणाम दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा देश जहां वेतन और धन की असमानता बहुत ज्यादा है, एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ज्यादातर नागरिकों के जीवन की वास्तविकताओं को सकारात्मक तौर से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करनी चाहिए। लगभग हर ग्राउंड रिपोर्ट खासकर यूपी और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को दिखाती है। हरियाणा और पंजाब में बीजेपी की तरफ से सेना के जवानों के लिए 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने से नौकरियों का सवाल और गहरा हो गया। अग्निवीर एक ऐसा सुधार है जिसकी कीमत बीजेपी को साफ तौर से चुकानी पड़ी। इन सब के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी जोड़ दें, जिसे महामारी के बाद कारखानों और शहरों में नौकरी नहीं पाने वाले अधिक लोगों का समर्थन करना था। टी ऑनलाइन की रिपोर्ट।